यूपी में रेप के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। कन्नौज अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर अब बुलडोजर चल गए। अयोध्या में मोहित खान और कन्नौज में नवाब यादव के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। रेप के आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया। तस्वीरें आप देखिए कैसे नाबालिग से रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव के कोल्ड स्टोरेज को प्रशासन के बुलडोजर ने तोड़ दिया। तो समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी बुलडोजर चलाया गया है। ये दोनों वो शख्स हैं जिन पर रेप का आरोप है। मोहित खान वाले रेप के आरोप लगने के बाद ये मामला बहुत गंभीर हुआ था, उछला था ये मामला। हालांकि इस मामले में समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा था और उसके कुछ दिनों बाद ही एक और रेप का मामला कन्नौज में सामने आया था, जहां पर नवाब सिंह यादव पर एक 15 साल की बच्ची से रेप के आरोप लगे थे और उसके बाद फिर से सवाल खड़े हुए थे। और इसके बाद इन दोनों रेप के आरोपियों के जो ठिकाने हैं उस पर बुलडोजर चला है योगी के बुलडोजर ने। देखिए कैसे जो कोल्ड स्टोरेज है नवाब सिंह यादव का, उस पर एक्शन लिया, उसे तोड़ दिया गया। तो मोहित खान के भी कई संस्थानों पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि पहले भी मोहित खान की बेकरी पर जो बेकरी थी उस पर बुलडोजर चला था और उस दौरान भी जबरदस्त बुलडोजर एक्शन मोहित खान के खिलाफ देखने को मिला था। दो तस्वीरें कन्नौज की और दूसरी अयोध्या की तस्वीर है। कन्नौज में नवाब सिंह यादव के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। अवैध जो भी ठिकाने हैं उस पर यह एक्शन हुआ है, उस पर कार्रवाई हुई है। बुलडोजर के जरिए पूरी तरह से तोड़कर जमींदोज कर दिया गया और सेम बुलडोजर एक्शन मोहित खान के भी ठिकानों पर किया गया है। मोहित खान अयोध्या रेप केस का आरोपी है। तो अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में सपा नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया गया, ढहा दिया गया। तीन बुलडोजर पहुंचे थे और एक पोकलैंड मशीन आई थी और इस पूरी बिल्डिंग को तोड़कर जमींदोज कर दिया। दो मंजिला कॉम्प्लेक्स करीब 4000 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ था। इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास थी। पीएससी मौके पर थी और पीएससी की 4 कंपनियों को बुलाया गया था और कई थानों की फोर्स मौके पर थी ताकि किसी भी तरह का बवाल या फिर विरोध उस दौरान हो रहा हो तो उसे वहीं शांत किया जाए, खत्म किया जाए। और पीएससी और पुलिस की मौजूदगी में मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर योगी का बुलडोजर चला है। एसडीएम ने बताया कि पहले कॉम्प्लेक्स में चल रही पीएनबी बैंक को शिफ्ट किया गया, इसके बाद ये कार्रवाई की गई। दरअसल जिस दिन बेकरी ढाई गई थी पहले, उसी दिन टीम ये कह रही थी कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी किराना है, उसका आदेश है, लेकिन चूंकि उसमें एक पीएनबी बैंक चल रहा था, एक बैंक चल रहा था, इसीलिए उसको एक टाइम दिया गया था कि आप इतने टाइम में अपने बैंक को शिफ्ट कर लीजिए क्योंकि हमको कार्रवाई करनी है, हमको एक्शन लेना है। तो पीएनबी शिफ्ट हुआ, उसके बाद अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया। 19 दिन पहले सपा नेता की 3000 वर्ग की जो बेकरी थी, वर्क फीट की यानी कि 3000 स्क्वायर फीट की, उस पर बुलडोजर चला था। अयोध्या में बच्ची से 12 जुलाई को रेप का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार किया था। गैंगरेप पीड़ित बच्ची का अबॉर्शन हो चुका है। घर पर 25 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी अब भी उसकी सुरक्षा में तैनात हैं। रेप का आरोप लगा था 65 साल के मोहित खान और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनका करीबी इस मोहित खान को माना जाता है। फाइनली अफराद की बुनियाद पर बनी ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। मैं बात कर रहा हूँ मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, जिसको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरह भी जो थोड़ी देर पहले बिल्डिंग पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रही थी, अब देखिए किस तरह से इसको ध्वस्त कर दिया गया है। लगातार बुलडोजर गरज रहा है, लगातार जेसीबी गरज रही है। देख लीजिए पोकलैंड किस तरह से ध्वस्तीकरण कार्रवाई कर रहा है। ये जो धूल का गुबार उठ रहा है ये इस बात का इशारा कर रहा है कि चाहे जितना आप मद में चूर हों, मर्यादित रहिए, संयमित रहिए, नहीं तो आप ऐसे कार्रवाई के जद में आ सकते हैं। अगर आपने किसी असहाय के साथ बदसलूकी की, किसी के साथ दुष्कर्म किया या कोई भी आपने अपराध किया, तो यकीन मानिए ये जो पीला पंजा आप देख रहे हैं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो नीति है, जीरो टॉलरेंस की नीति, आप यहाँ पर साक्षात देख रहे होंगे किस तरह से धरातल पर उसको साकार रूप दिया जा रहा है। मेरी मौजूदगी है इस वक्त बदरसा में, जहाँ पर 12 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसके तहत मोहित खान को जेल की सजा हुई थी। कुछ दिनों पहले उनकी बेकरी पर बुलडोजर चला था और आज उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस मौके का साक्षी बनने के लिए तमाम क्षेत्रवासी, ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं कि किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ की ईंट ईंट इस बात की गवाह है कि जो भी अपराध करेगा उसका हश्र यही होने वाला है।
चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी सत्ता दल का क्यों ना हो, किसी जात धर्म मजहब का क्यों ना हो, अगर वो अपराध करता है, अगर वो अपराधी है, तो उसके साथ योगी का बुलडोजर ऐसे ही कार्रवाई करेगा। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये पोकलैंड गरज रही है और उनके मनसा को कुचलने का काम कर रही है। जिनके जहन में जरा सा भी अगर अपराध करने का ख्याल आया होगा तो आज उनकी रूह कांप जाएगी कि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तमाम यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं, पूरे भदरसा को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। साथ ही साथ वो बिल्डिंग जो थोड़ी देर पहले अभी खूबसूरत नजर आ रही थी, देखिए किस तरह से उसको ध्वस्त कर दिया गया है। लगातार चारों तरफ से पीला पंजा उस पर प्रहार कर रहा है, बुलडोजर लगातार गरज रहा है और ये धुएं का गुब्बार, ये दोनों चीज़ें लगातार एक मैसेज दे रही हैं कि अगर आपके जहन में जरा सा भी अपराध करने की आकांक्षा पनप रही है, जरा सा भी आप अगर अपराध करना चाह रहे हैं तो सचेत रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि बाबा का बुलडोजर किसी भी कीमत पर आपको बख्शने वाला कदापि नहीं है। लगातार कार्रवाई चल रही है, जिले के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, राजस्व की टीमें हैं, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, साथ ही साथ PSC के जवान मौजूद है कि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था में खलल ना पड़ने पाए। मैं एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये पोकलैंड गरज रहा है और उस बिल्डिंग के नस नस को तोड़ने का काम कर रहा है, उसके रग रग को तोड़ने का काम कर रहा है। आज इसमें दीवारों में लगी ईंटें भी अफसोस जता रही होंगी कि आखिर हम किसकी बिल्डिंग में आकर लग गए, कहाँ पर आकर लग गए, जिसने ऐसा अपराध किया कि मैं अपना जीवन भी नहीं जी पाई और आज मुझे ध्वस्त किया जा रहा है। मोहित खान के परिवार वाले भी उस वक्त को कोस रहे होंगे जब मोहित खान ने ये घिनौना दुष्कर्म किया था, ये घिनौना कृत्य किया था। आज ये बुलडोजर उस मंसूबे को नाकाम कर रहा है, उन मंसूबों को कुचल के रख दे रहा है जो ऐसे मंसूबे रखते हैं। आज भदरसा के लोग भी इस बात को बखूबी देख रहे हैं कि जिसने अपराध की चरम सीमा को प्राप्त किया था, जिसने पूरे भदरसा में अपराध कायम किया था, एक आपराधिक पृष्ठभूमि कायम की थी, आज उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। ये जो बुलडोजर गरज रहा है, ये बुलडोजर की आवाज़ नहीं, ये एक सत्य की आवाज़ है, उस मासूम 12 वर्षीय मासूम की चीख है कि अगर आप किसी के साथ इस तरह का कृत्य करेंगे तो उसका परिणाम यही होगा जो यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, मोहित खान जेल में है और ये तस्वीरें लगातार इस बात की गवाह है कि अपराध कोई भी करेगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इंडिया न्यूज़ के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। और बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार का कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं। प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, सबसे पहले हम अयोध्या का रुख करते हैं। भदरसा में आज बुलडोजर की कार्रवाई फाइनली हो गई, यानी कि एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की जो ये सरकार है, जैसा कहा वैसा करके भी दिखाया। निसंदेह हर मंचों से जनता को आश्वस्त करते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कि हमारे राज्य में अपराध और अपराधी के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कायम है, हमारी सरकार कायम है। लगातार प्रयास है कि जनता को अच्छा प्रशासन सरकार दे पाए और जनता भी स्वीकार कर रही कि राज्य में, देश भी स्वीकार कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे सुदृढ़ है, सबसे मजबूत। हाल ही में पीड़िता का परिवार आया था मुख्यमंत्री से मिलने और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और इसी क्रम में आज बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है भदरसा में। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो हमारी योगी सरकार है, ये अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली सरकार है। 2017 से लेकर अब तक हमने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए। अभी जो प्रकरण हुआ वहाँ पे भी जो आरोपी थे उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए वो हमारी सरकार ने लिया। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी और गुड गवर्नेंस के लिए आज हमारी योगी सरकार जानी जाती है। और कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर कोई घटना ऐसे संज्ञान में आती है तो तुरंत जो भी उसमें कड़ी और आवश्यक कार्रवाई पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, वो स्टेप लेने से हमारी योगी सरकार कहीं भी हिचकती नहीं है।